हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी सब्जेक्ट इंग्लिश के हनीड्यू बुक के द सुनामी चैप्टर नंबर 2 को। सुनामी समुद्र में जब बड़ी बड़ी लहरें आती हैं और वो लहरें आती हैं जो समुद्र के अंदर जो भूकंप होता है उसके कारण। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे देश का जो एक द्वीप समूह है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो जो इसकी कैपिटल है वह है पोर्ट ब्लेयर, जो कि यहाँ पर है, इसको आप देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। तो इस सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाई अर्थक्वेक अंडर द सी। तो सुनामी क्या होती है? सुनामी एक जो होती है पावरफुल वेव होती है जो कि समुद्र के अंदर अर्थक्वेक के कारण आती है। अब हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में ऐसा क्या है कि हम सुनामी में पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर जो है वो है जब ऑन 26 दिसंबर 2004 ए सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट। तो जो ये सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को, इसने थाईलैंड को बहुत प्रभावित किया था और साथ में भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु के कुछ तटों को भी प्रभावित किया था। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। तो यहाँ पर कुछ कहानियाँ हैं जो कि हमको साहस के बारे में बताती हैं और सर्वाइवल के बारे में बताती हैं कि किस प्रकार से जो लोग थे उन्होंने अपनी जान बचाई। और साथ में हम देखेंगे डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग, सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड। और साथ में हम जानेंगे कि क्या एनिमल्स जो जानवर होते हैं वो जानते हैं कि सुनामी आने वाली है। तो कुछ कहानियों की मदद से हम देखेंगे कि हाँ सचमुच में जानवरों को पूर्वाभास हो जाता है, जिसमें कि वे जान जाते हैं कि कोई भी जो प्राकृतिक आपदा है, जो नेचुरल कैलामिटी है, वो आने वाली है। अब यहाँ पर हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। तो यहाँ पर जो स्टोरीज़ हैं वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत हैं। आर्किपेलागो क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ मैनी आइसलैंड एंड द सराउंडिंग सी, जो कि समुद्र के चारों तरफ का वह क्षेत्र जो कि क्या होता है, समुद्र से घिरा होता है, इसे कहते हैं आर्किपेलागो द्वीप समूह। तो इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। तो इग्निशियस एक नाम है जो कि एक मैनेजर है कहाँ पर, कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। कच्छल भी यहाँ पर अंडमान निकोबार में एक शहर है। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। तो इग्निशियस की पत्नी ने उसको सुबह 6 बजे उठाया, बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसने एक भूकंप के झटके को महसूस किया था। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविज़न सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। तो इग्निशियस ने क्या किया, सावधानी से अपनी टीवी को टेबल से उठा करके पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, उसको ज़मीन पर रख दिया, जिससे कि जब भूकंप आए तो वो नीचे गिर करके टूट ना जाए। देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस। और उसके बाद जो उनका परिवार था वो जल्दी से कमरे से बाहर आ गए, घर से बाहर निकल गया। आप भी जानते हैं कि जब भी भूकंप के झटके आते हैं तो हमको घर से बाहर निकलना चाहिए, भगदड़ नहीं करनी चाहिए और आराम आराम से घर से बाहर निकलना चाहिए, अपनी सेफ्टी के लिए ये करना पड़ता है। वेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड दे सॉ द सी राइजिंग। और जब ये घटना घटित हुई जहाँ पर ये अर्थक्वेक के जो झटके आ रहे थे, तो उन्होंने जब ये देखा कि जब ये झटके बंद हुए, दे सॉ द सी राइजिंग, तो उन्होंने देखा कि समुद्र जो है वह बढ़ रहा था। इन द चाओस एंड कन्फ्यूजन टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो
तो इस घटना के और इस कंप्लीट कंफ्यूजन की जो घड़ी थी, जब उन्होंने देखा कि भूकंप आया और उसके बाद जो समुद्र की लहरें हैं वो धीरे धीरे जो है वो उठ रही हैं, तो इस कंप्लीट कंफ्यूजन के समय में उनके जो दो बच्चे थे उन्होंने अपने मदर्स फादर यानी कि नाना का हाथ एंड मदर्स ब्रदर और जो मामा का हाथ पकड़ा एंड रस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगे। ही नेवर सॉ देम अगेन और उसके बाद इग्निशियस ने उनको कभी नहीं देखा, अर्थात वो क्या हो गए थे, हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, वे सब के सब जो हो गए थे स्वेप्ट अवे हो गए थे यानी कि बह गए थे, और उसकी पत्नी भी उस जो सुनामी आई थी उसमें बह गई थी। ओनली द थ्री अदर चिल्ड्रन हु कैम विद हिम वर सेव्ड, केवल तीन बच्चे थे जो कि उसके साथ आए थे वे क्या हो गए, वे सेव बच गए। तो यहाँ पर ये स्टोरी थी इग्निशियस नाम के एक व्यक्ति की। अब आगे बात आती है एक और स्टोरी की जो है संजीव की। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कर्चल आइसलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड। तो यहाँ पर संजीव की एक स्टोरी थी जिसमें कि वह एक पुलिसमैन है और ये यहाँ पर अंडमान निकोबार ग्रुप में यहाँ पर जो समूह है यहाँ पर काम करता है। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उसने बड़ी मुश्किल से खुद को बचाया, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल से संजीव ने खुद को, अपनी पत्नी को और अपनी जो बच्ची थी उनको बचाया उन लहरों से, लेकिन जब उसने आवाज़ सुनी, जब उनको जो उसका नौकर है जो कुक है उसकी जो जॉन है उसकी पत्नी की उसने जब आवाज़ सुनी तो संजीव ने पानी में रेस्क्यू किया, उनको बचाने की कोशिश की, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वे दोनों भी नहीं बच पाए। जो जॉन के यानी कि जो गेस्ट हाउस के कुक के जो बच्चे थे और जो पत्नी थी वे नहीं बच पाए। 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other peoples. और ये दूसरी अगली स्टोरी है मेघना की, जो कि 13-year-old girl है, 13 साल की लड़की है, जो कि अपने पेरेंट्स और 77 लोगों के साथ बह गई। सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, उसने 2 दिन तक समुद्र में बहुत तैरती रही, होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, जिसमें कि उसने एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़ा हुआ था, तो लकड़ी के दरवाजे को पकड़ते हुए 2 दिन तक उसने समुद्र में सर्वाइव किया। 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. 11 बार उसने जो rescue helicopters होते हैं उनको अपने ऊपर उड़ते हुए देखा, लेकिन उन helicopters ने उनको उसको नहीं देखा। She was brought to the shore by the wave and was found walking on the seashore in a daze. और अंत में उसको पाया गया किसी लोगों के द्वारा जो कि वहाँ पर थे, उन लोगों ने उसको रेस्क्यू किया और उसको बचा दिया। अलमाज जावेद वॉज 10-year-old, अलमाज जावेद है, यह एक अलग स्टोरी है जो कि 10 साल का है, यहाँ पर 10 साल की लड़की ये है अलमाज जावेद। सी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट प्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प। तो अलमाज जावेद की ये स्टोरी है जो कि 10 साल की लड़की है और ये कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है पोर्ट प्लेयर में, तो उसके पापा का क्या है, वहाँ पर एक पेट्रोल पंप है। हर मदर राहिलाज होम वाज इन नैनकॉरे आइसलैंड, और उसकी माँ का घर जो है नैनकॉरे आइसलैंड में है। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और जो फैमिली थी वो वहाँ पर गई थी क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए। वन द ट्रेमर्स कैम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वॉज स्लीपिंग, जब सुबह के जो झटके आए थे उस समय उनका परिवार सो रहा था। अलमाज फादर सॉ द सी वाटर रिसीड, अलमा के पापा ने जो समुद्र का जो पानी था वो उसको रिसीड होते हुए देखा, पीछे की तरफ जाते हुए देखा, कम होते हुए देखा।
he understood that the water would come rushing back with great force. तो वो समझ गए थे कि जो ये पानी है वह बहुत ही तेज फोर्स में फिर से वापस आने वाला है. He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. तो उन्होंने जल्दी से सबको प्रत्येक को उठाया और उनको किसी सुरक्षित स्थान पर ले गए. As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. और जब वे भाग रहे थे तो उसके जो दादाजी थे उनका सर किसी चीज़ पर लगा और वे गिर गए. Her father rushed to help him. और उसके जो पापा थे वो उनको बचाने के लिए गए, उसके ग्रैंडफादर को बचाने के लिए गए. Then came the first giant wave that swept both of them away. और एक जो पहला जो बहुत बड़ी जो giant wave थी, जो तरंग थी, वह आई और उन दोनों को बहा करके ले गई. Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. और अलमास की जो माँ है और जो चाची हैं वो वहाँ पर जो कोकोनट ट्री था उसकी लीव्स पर वहाँ पर बची, calling out to her, उसको बचाते, उसको बोलते बोलते वहाँ पर वो भी बची. A wave uprooted the tree and they too were washed away. लेकिन जिस पेड़ से अलमा की माँ और अलमा की जो आंट थे वे उसको होल्ड किए हुए थे, वो जो कोकोनट का ट्री था उसको भी एक जो वेव आई और उसने भी उस पेड़ को उखाड़ के ले गई और दे टू वर वॉश्ड अवे और वो दोनों के दोनों भी बह गए. अलमा saw a log of wood floating. She jumped on to it. अलमा ने क्या किया, एक उसने लकड़ी का जो गुटका है या एक लकड़ी है उसको वहाँ पर तैरते हुए देखा और उसमें छलांग लगा दी. Then she fainted. और उसके बाद वो बेहोश हो गई. When she woke up, और जब वो उठी, she was in hospital in Camrota. तो वहाँ जब उसको होश आया तो कैम्प्टा के एक हॉस्पिटल में थी. फ्रॉम देयर सी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया. द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन. तो जो वो छोटी बच्ची थी वह उस जो भयावह जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं थी, वह बात नहीं करना चाहती थी. सी इज स्टिल ट्रेमेंट्रिस. तो और वो अभी भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड है, डरी हुई है. आगे हम देखते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है. टिली स्मिथ एक अलग स्टोरी है, दूसरी स्टोरी है. टिली स्मिथ अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्टक फुकेट बीच इन थाईलैंड. तो टिली स्मिथ एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है जो कि बहुत सारी जानों को बचाने में वहाँ पर सफल हुई, जो कि थाईलैंड के एक बीच पर थे. दो सी हैज़ वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड, और उसके लिए जो हैं उसको बहुत सारे अवार्ड भी प्राप्त हुए. हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड इट देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन द टेलीविज़न एंड मेड इनटू अ हीरोइन. उसके पेरेंट्स जो हैं वे नहीं चाहते हैं, वो अलाउ नहीं करते हैं कि उसकी उनकी जो लड़की है उसके इंटरव्यू लिए जाएँ और वो जो टेलीविज़न पर है वो एक हीरोइन की तरह फेमस हो. वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, आप क्या सोचते हैं कि उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने वो डिसीजन क्यों लिया कि हमारी जो लड़की है वो क्या ना हो, फेमस ना हो, टेलीविजन पर एक हीरोइन की तरह ना दिखाई जाए. नाउ हियर इज द स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. अब जो स्टोरी है वह थाईलैंड से है, टिली स्मिथ की स्टोरी है. द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन साउथर्न थाईलैंड. स्मिथ फैमिली जो है वह साउथ ईस्ट इंग्लैंड से है, जो कि क्रिसमस की जो ईव है उसको मनाने के लिए एक रिजॉर्ट पर आए हैं साउथर्न थाईलैंड में. टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल. जो टिली स्मिथ है वह 10 साल की एक स्कूल की लड़की है. हर सिस्टर वॉज 7-year-old और उसकी जो बहन है वह 7 साल की है. देयर पेरेंट्स वॉज पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. उसके जो पापा और मम्मी हैं उनका नाम है
Penny Smith and Colin Smith. It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. यह तब की बात है 26 दिसंबर 2004 की, जबकि जो सुनामी की जो लहरें थी वो अपने रास्ते में थी. They had been tracked by a massive earthquake of southern Sumatra earlier that morning. और उसी जो सुबह थी उस सुबह जो सुमात्रा है उसके नॉर्दर्न कोस्ट को वहाँ पर जो भयंकर जो क्या आया था भूकंप उस दिन आया था. The water was swelling and kept coming in. Penny Smith remembered the beaches was getting smaller and smaller. तो जो पानी था उस दिन वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था. तो जो Penny Smith थे उनको याद था कि जब क्या होता है beaches का जो पानी है वह बहुत कम और कम हो रहा था. I didn't know what was happening. तो उनको लग रहा था, उनको नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, समुद्र का जो पानी है वह कम क्यों हो रहा है. तो यहाँ पर बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग. लेकिन टिली स्मिथ जो 10 साल की लड़की थी, एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी, वो समझ गई थी कि क्या हो रहा है. हर माइंड कैप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन सी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर सी फ्लू आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली. तो टिली स्मिथ को जो है उसके दिमाग में वो जो लेसन है, जो ज्योग्राफी लेसन उसने पढ़ा था इंग्लैंड में 2 हफ्ते पहले, थाईलैंड आने से पहले उसने जो अपने ज्योग्राफी के लेसन में पढ़ा था वो उसको अभी याद आ रहा है. तो बच्चों यहाँ पर कई बार जो है हमको जो हमारे स्कूल्स में जो लेसन्स हैं उनको अच्छे से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्या पता वो कहीं पर आपके काम आ जाए. तो जैसे कि टिली ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान बचाई है, अगर वो उस दिन उस ज्योग्राफी लेसन पर ध्यान नहीं देती तो आज उसको उतने सारे अवार्ड्स नहीं मिलते और सबसे बड़ी बात वो उतने सारे लोगों की जान नहीं बचा पाती. तो इसलिए हमको जो पढ़ाया जाता है, जो चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं टीचर्स के द्वारा, उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए. टिली सॉ द सी स्लोली राइज. अब टिली ने देखा कि जो समुद्र है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वाटरफॉल्स. और उसने देखा कि अब जो है समुद्र में फोम झाग बनने लग गया था, बुलबुले बनने लग गए थे और जो वाटरफॉल्स हैं जो गोल 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 वो पानी होने लग गया था. सी रिमेंबर दैट सी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी दैट हैड हिट द हवाईयन आइसलैंड in 1946. तो उसको याद आया कि जो उसने अपने क्लास वीडियो में देखा था, जो कि उनकी क्लास में एक वीडियो चलाई गई थी जो कि हवाई आइसलैंड पर 1946 की वह वीडियो थी. तो उसमें भी इसी तरह की कुछ घटनाएं हो रही थी जिसमें कि समुद्र में झाग बन रहा था, बुलबुले बन रहे थे और वाटरपूल्स बन रहे थे. हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास अ वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाई अर्थक्वेक, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड. और उनकी टीचर ने उनको वो वीडियो दिखाई थी और कहा था कि जो सुनामी होती हैं वह भूकंप के द्वारा, ज्वालामुखी के द्वारा और जो लैंडस्लाइड होता है, जो भूस्खलन होता है, उसके कारण भी आ सकती है. टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच. तो टिली जोर जोर से चिल्लाने लगी और अपनी फैमिली को बोलने लगी कि जल्दी से इस बीच से हट जाओ. She talked about an earthquake under the sea. और वह बात कर रही थी कि समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ा भूकंप आ गया है. She got more and more hysterical. वह बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी और बहुत ज़्यादा घबरा रही थी. Said her mother, Penny, I don't know what a tsunami was. उसने उसकी माँ से कहा कि मुझे नहीं पता कि सुनामी क्या होती है. But seeing my daughter so frightened, लेकिन मैं अपने बच्चे को बहुत डरा हुआ देख रहा हूँ, I thought something serious must be going on. तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ बहुत बड़ी बात है, इसीलिए हमको अवश्य ही यहाँ से जाना चाहिए. टिली's parents took her and her sister away from the beach. तो टिली के मम्मी पापा ने, पेरेंट्स ने उसको और उसकी बहन को जल्दी से बीच से दूर किया
टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, और वो चले गए जो स्विमिंग पूल था होटल के पास में वहाँ पर वो चले गए। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और बहुत सारे टूरिस्ट ने उनको देख करके कि ये कहाँ भाग रहे हैं उनको देख करके बीच को छोड़ दिया। देन इट वॉज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, और तुरंत ही उनके पीछे पीछे पूरा का पूरा समुद्र उनके पीछे आ गया। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और मैं जोर जोर से भागा चिल्लाया कि भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, तो जो पूरी फैमिली थी उसको रिस्क वहाँ पर सुरक्षित रखा गया जो होटल था उसके तीसरे फ्लोर पर। द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, और जो बिल्डिंग थी उसको 3 सुनामी की जो लहरें हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसको सर्च किया उसको झटका दिया। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, यदि वे लोग बीच पर रुके होते दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वे कभी भी जिंदा नहीं बचते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, और उसके बाद जो स्मिथ की फैमिली थी वो ऐसे परिवारों से मिली जो अपने बहुत सारे पूरा का पूरा परिवार खो चुके थे थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, और देन हैड बीन फॉरवर्टेड, और उन सब ने टिली को धन्यवाद किया और टिली के उस ज्योग्राफी लेसन को धन्यवाद किया जिसकी वजह से उनकी जान बची थी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और टिली उसके बाद वापस गई अपने इंग्लैंड में और उसने अपने दोस्तों के साथ वह जो डरावनी जो कहानी थी उसको वर्णन किया उसको बताया। नेक्स्ट पार्ट इसमें है, लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग, यहाँ पर आपको एक बच्चा दिख रहा है तो उसको आप केयरफुली देखिए और उसके साथ उसका डॉग भी है। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब दैट थिंग दैट यू सी, और डिस्क्राइब कीजिए कि आपको उस पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड इन टू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, wild and domestic animals seems to know what was about to happen. तो जो वो खतरनाक जो लहरें थी जिन्होंने कि अंडमान निकोबार के कोस्ट को तबाह कर दिया था और थाईलैंड को तबाह कर दिया था, तो उन जाइंट वेव के जो श्रीलंका और जो भारत है उसके तटों पर पहुंचने से पहले वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल सीम्स टू नो, दो जंगली जानवर थे जो पालतू जानवर थे उनको प्रतीत हो गया था वे जान गए थे व्हाट वाज अबाउट टू हैपन कि क्या घटित होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, वो सबके सब जो है वो सुरक्षित स्थान ढूंढ रहे थे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड, तो जो वहाँ पर प्रत्यक्ष दर्शी थे जिन्होंने उस चीज़ को देखा तो वो वहाँ पर देख पा रहे थे कि हाथी वहाँ पर चिल्ला रहे थे चिंघाड़ रहे थे और वो ऊंचे स्थानों पर भाग रहे थे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और जो कुत्ते थे वो घर से बाहर आने के लिए रिफ्यूज कर रहे थे मना कर रहे थे बाहर नहीं आ रहे थे। फ्लेमिंगोज अबेंडेड दियर लो लेइंग ब्रीडिंग्स एरियाज, और जो फ्लेमिंगो बर्ड्स हैं उन्होंने भी अपने जो अंडे देने के स्थान है उनको बदल दिया था और उनको हाई प्लेसेस पर रख दिया था। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुडंट बी इंटेस्ट टू कम बैक आउट, और जो जू में जो एनिमल्स थे वे भी अपने अपने जो शेल्टर्स थे उनके अंदर चले गए थे और वो बाहर नहीं आना चाह रहे थे। Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. तो बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि जो जानवर होते हैं उनमें सिक्स सेंथ होता है छठवीं इंद्री होती है जिससे कि वे जान जाते हैं कि पृथ्वी में हलचल हो रही है। Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth vibration. और कुछ जो विद्वान हैं एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि जो जानवर होते हैं उनकी जो सुनने की क्षमता होती है वह बहुत ज़्यादा होती है जिससे कि वो सुन पाते हैं और फील कर पाते हैं अर्थ के वाइब्रेशन को।
they can sense an approaching disaster long before human realize what's going on, और वो इंसानों से पहले जान लेते हैं कि क्या घटित होने वाला है, कौन सा डिज़ास्टर आने वाला है. We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not. हम यहाँ पर श्योर नहीं हैं कि जो जानवर होते हैं उनमें सिक्स सेंस होता है या नहीं होता है. बट द फैक्ट इज़ दैट द जायंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 150,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज. लेकिन हम ये जानते हैं कि जो वो ख़तरनाक जो तरंगे आई थी, जो वेव्स आई थी, उन्होंने जो हिंद महासागर है उसके आसपास कम से कम 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोग और जो यहाँ पर डजन्स कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनको यहाँ पर क्या कर दिया था, मार दिया था, ख़त्म कर दिया था. बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड इट. लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि इतने सारे लोगों के मरने के बाद भी एक भी जानवर के मरने की कोई खबर नहीं थी इस डिज़ास्टर के दौरान. अलोंग इंडियाज कोडलोर कोस्ट वर थाउजेंड ऑफ पीपल प्रेज्ड. बफालोज गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड. तो जो कोडलोर कोस्ट है भारत का, वहाँ पर देखा जाता है कि बहुत हजारों जो लोग थे वे वहाँ पर ख़त्म हो गए थे, बह गए थे. लेकिन वहाँ पर जो बफालोज थी, जो गोट्स थी, जो कुत्ते थे, वो उन पर कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा था क्योंकि उनको पहले ही पता चल गया था कि कुछ घटित होने वाला है. इसलिए उन्होंने खुद को सुरक्षित कर लिया था और सुरक्षित स्थानों पर वे जानवर चले गए थे. द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स. तो जो श्रीलंका में याला नेशनल पार्क है वो घर है बहुत सारे जानवरों का, जिसमें कि हाथी, लेपर्ड और 130 जो हैं पक्षियों की प्रजातियां वहां पर रहती हैं. 60 विजिटर्स वॉज वॉश्ड अवे फ्रॉम द पत्तनगाना बीच इनसाइड द पार्क. तो जो बीच है उस पार्क के अंदर, वहाँ पर 60 जो देखने विजिटर्स थे वो वहाँ से बह गए थे. बट लेकिन नो एनिमल कार्केसेस वर फाउंड एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफालोज. लेकिन एक भी जानवर का कंकाल वहाँ से नहीं मिला सिवाय 2 जो वाटर बफालोज थे उनके. अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एनिमल्स रनिंग अवे फ्रॉम द पत्तनगाना बीच. तो सुनामी से लगभग 1 घंटे पहले जो वहाँ पर कुछ लोग थे उन्होंने देखा कि 3 जो हाथी थे वो पत्तनगाना जो बीच है उससे दूर की तरफ भाग रहे थे. ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैले सेड हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच. और श्रीलंका के एक आदमी का कहना है कि जो कि गैले जो कोस्ट है उसके नज़दीक रहते हैं, कि जो उनके डॉग्स थे, जो 2 कुत्ते थे, उन्होंने भी घर से बाहर आने के लिए जो डेली घूमने आते थे, डेली दौड़ने आते थे, उस दिन वो घर से बाहर नहीं आए. दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग. ज़्यादातर वो लोग जो कुत्ते हैं वो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं बाहर आने के लिए, लेकिन आज के दिन पर वो भी बाहर नहीं आए. ही सेड बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो. लेकिन उस दिन उन्होंने बाहर आने से इनकार कर दिया, बाहर नहीं आए. एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और अपनी जान बचा दी. तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है. इसके क्वेश्चंस आंसर्स हैं वो आप कर सकते हैं. तो आपको मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हमारा प्रयास अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं. और अगर आप अपनी बुक के सारे चैप्टर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर टैप कर दें. इससे हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करते रहें, इससे वे भी आपके साथ इन चैप्टर्स को पढ़ पाएंगे.
तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।